साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी, अब सत्ता मिल गई, दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है, हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर 2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा।